नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिद्धार्थ, आपका मेरे YouTube चैनल मेडिसिन्स न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इस ड्रॉप के बारे में जिसका नाम है विटकोफॉल ड्रॉप। विटकोफॉल ड्रॉप क्या क्या इसके यूजेज़ हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी कंपनी है, किस किस बीमारी में आपको इसका इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है और कैसे आप इसका अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी कंपनी है और क्या इसका रिव्यू है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इस ड्रॉप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं, अधिक से अधिक जान पाएं और इसका अधिक से अधिक आप लोग फायदा उठा पाएं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखेंगे। बात करेंगे विटकोफॉल ड्रॉप के बारे में, तो आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर, किसी भी रिटेल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा, कहीं से भी आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी आप लोग इसे खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इसके फायदे के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, क्या क्या आपको इसके फायदे मिल सकते हैं, क्या क्या आपको इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। तो दोस्तों विटकोफॉल जो ड्रॉप है ये स्पेशली बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बड़ों के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बच्चों के लिए ये बनाया गया है। बात करेंगे अब इसके फायदों के बारे में, क्या क्या आपको बेनिफिट देगा ये, क्या क्या आपको फायदे दे सकता है। तो दोस्तों ये जो ड्रॉप है बच्चों की ग्रोथ के लिए, जिन बच्चों का ब्लड कम है, खून कम है, उनकी ग्रोथ के लिए, या फिर बच्चा जो है कई बार बच्चे का विकास रुक जाता है तो उसकी ग्रोथ के लिए ये जो ड्रॉप है वो दिया जाता है। बच्चे को अंदरूनी रूप से ताकत देता है, बच्चे को ग्रोथ में सहायक होता है ये, तो ये इसके आपको फायदे बेनिफिट मिल सकते हैं। अब बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में कि कैसे आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना है, कैसे इसका यूज़ करना है। तो दोस्तों ड्रॉप का इसका यूज़ जो है वो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो ड्रॉप का यूज़ होता है यानी कि मात्रा जो होती है देने की बच्चे को, वो उसकी एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से बच्चे को दिया जाता है। इसलिए बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के इस दवा का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा, उसके बाद ही आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चे को देने के लिए। 15 ml की ये बोतल आती है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट डले हुए हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें फोलिक एसिड डला हुआ है 200 mg और साइनोकोबालामिन पड़ा हुआ है 5 mcg, विटामिन B12 पड़ा हुआ है और निकोटिनामाइड 20 mg डला हुआ है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इसमें, ये जो कंपोनेंट डले हुए हैं, इन कंपोनेंट के हिसाब से बच्चे को जो है ये बहुत ही अधिक फायदेमंद साबित होंगे, बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे के खून बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। डोज इसके ऊपर मेंशन है उस हिसाब से, 1 ईयर के बच्चे को आप 0.5 ml यानी कि आधा ml डेली दे सकते हैं, अगर 1 साल से बच्चा ऊपर है तो 1 ml डेली दे सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार दे सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों अब इसकी कंपनी के बारे में और इसके प्राइस के बारे में, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी जो कंपनी है FDC कंपनी का ये ब्रांड है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार ब्रांड है। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 25 rupees यानी कि 25 रुपये 80 पैसे इसका प्राइस है, शानदार प्राइस है, कंपनी के द्वारा दिया गया जैसा इसका रिजल्ट है उस हिसाब से बहुत ही अच्छा प्राइस है। एक्सपायरी की बात करें तो 1 साल की लगभग एक्सपायरी आती है, इसकी एक्सपायरी देखकर ही उसके बाद ही मेडिसिन का यूज़ करें, उसके बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। बात करेंगे अब इसके रिव्यू के बारे में, तो ये देखिए दोस्तों 15 ml की ये बोतल आती है, इसके अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे को देने के लिए। तो दोस्तों मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन जरूरी है, डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, डॉक्टर की सलाह के बिना अपने आप दवाई का यूज़ कभी ना करें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकती है, आपके जो शरीर है उससे नुकसान पहुंच सकता है गलत दवाई लेने से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें ताकि ये वीडियो और भी किसी काम आ सके। दोस्तों हम इस चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड अलग अलग वीडियो डालते हैं हर रोज, अगर आप मेडिसिन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साइड में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का निशान है उस पर जरूर क्लिक कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।